हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पनीर कैप्सिकम की रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस लगती है खाने में। आप रेसिपी को फॉलो करके एक बार पनीर की सब्जी को इस तरह से बनाकर देखना, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर कैप्सिकम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में दही ले लेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप दही ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसमें बेसन डालेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाल के हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। हम सबसे पहले एक पैन में ऑयल ले लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए हम इसमें कैप्सिकम को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, कैप्सिकम को देखिए, हमने ऐसे बड़े चंक्स में काटना है। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज, इसे मैंने ऐसे बड़े चंक्स में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अनियन और कैप्सिकम को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करके सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब सेम ऑयल में ही हम सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड, तेल हम मुझे ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं इसमें से थोड़ा तेल निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जैसे ही जीरा हमारा थकने लगे हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए अनियन, इसे हम सॉटे कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अपना कर्ड का पेस्ट डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ मैंने 1 टमाटर की प्यूरी ऐड की है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर के लिए रेड कश्मीरी मिर्च। साथ में हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पीस बटर का, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल रिलीज होने तक हम ग्रेवी को पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी में से ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इसमें अपने फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे और इसके साथ में ही हम पनीर को भी ऐड कर देंगे। पनीर को मैंने ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा चला देंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और इसे ढककर लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कैप्सिकम की सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे नान या चपाती के साथ में सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।